नमस्कार दोस्तों, टीम सिटी लाइव के इस मंच पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको शब्द संसार में लिए चलती हूँ मिलाने उस किरण से जिसके प्रकाश में पूरा संसार जगमगाता है। लीजिए मिलिए डॉक्टर कविता किरण से। शब्द संसार के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को कविता किरण का प्यार बता। कविता जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली के ऐतिहासिक किले से अनेक बार काव्य पाठ कर चुकी हैं, जहां से काव्य पाठ करना एक गर्व का विषय है। आपको देश के विदेश के विभिन्न मंचों से, विभिन्न शख्सियतों से बहुत बार सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। 2019 में आप मिस इंडिया राजस्थान अवार्ड जीत चुकी हैं और प्रधानमंत्री के पॉलिथिन हटाओ पर्यावरण बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी आप रह चुकी हैं। अनेकों पुस्तकें, 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी विभिन्न विधाओं में। आप हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, उर्दू, 4 भाषाओं में तो आपका अधिकार है और 7 पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं। तो कविता जी, काव्य यात्रा के चढ़ते सोपानों में शुरुआत कहाँ से हुई? आप अपना परिचय किस प्रकार से देंगी? कविता जी, आप भी कविता हैं, मैं भी कविता हूँ। यही है कि अब कौन किसको संबोधित कर रहा है पता नहीं चलेगा। आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ कविता जी, आप ही है कविता। आपके व्यक्तित्व में कविता है, आपके कृतित्व में कविता है। आज आप ही मुखातिब हैं श्रोताओं से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अपने परिचय में मैं दो मिसरे अक्सर कहती हूँ, वो मैं हाजिर करती हूँ। स्वागत है। मारवाड़ की मीरा मुझको कहता है जग सारा। वाह। मारवाड़ की मीरा मुझको कहता है जग सारा, काव्य जगत में बनकर कविता किरण करूं उजियारा। काव्य जगत में बनकर कविता किरण करूं उजियारा। आप काव्य जगत की किरण ही हैं। जी जी, एक मुक्तक और हाजिर करती हूँ अपने ही परिचय का। स्वागत है। एक कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से ना हारी हूँ। कभी निशा हूँ कभी भोर हूँ, कभी निशा सी कभी भोर सी, फूल कभी चिंगारी हूँ। और छोटी सी किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। बहुत बहुत खूब, किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने आप को व्याख्यात किया है। और जब हम आपके कृतित्व को देखते हैं तो आपने जो भी बातें कही हैं वो सूत पर भी कम नहीं पड़ती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी रचनाएं, कविता किरण जी की रचनाएं फिल्मों तक में गीत के रूप में ली गई हैं और देश विदेश के प्रख्यात गायकों ने आपकी रचनाओं को आवाज दी है। अमेरिका के सिंगर्स, चाहे कविता सेठ जैसी गायिका हों और चाहे चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या उदयपुर से दिया हसन जी, सभी ने आपकी रचनाओं को अपनी आवाज दी है। कविता जी, जब हम देश की, वतन की बात करते हैं तो एक संवेदनशील हृदय कविता कवि कैसे अपने हृदय में उमड़ते प्रेम को, देश प्रेम को व्यक्त करता है? आप कैसे स्वर देंगे उस प्रेम को, देश प्रेम, कोई देश प्रेम पर हो जाए कई रचना? देश प्रेम पर जी, देश से हर आम आदमी को, हर बच्चे बच्चे को, देश सभी को अपने देश से प्रेम होता है। और जहाँ देशभक्ति का जज्बा होता है तो जब भी देश पर, जैसे इस समय आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोरोना नाम की आपदा से, हम लोग उससे रूबरू हो रहे हैं, उस महामारी से पूरा देश हमारा त्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में भी देश के जो सारे नागरिक हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सारे मिल करके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनका, उनकी इस घर में जो लॉकडाउन में रहकर आप और हम लोग भी जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके आदेशों का पालन करते हुए ये भी अपने आप में एक देशभक्ति है। और इस समय देश की सीमाओं पर जो हमारे सैनिक डटे हुए हैं वो एक अलग ही एक युद्ध को, युद्ध युद्ध से गुजर रहे हैं। इधर हमारा देश कोरोना से
लड़ रहा है, कोरोना से युद्ध कर रहा है, उधर हमारे सीमाओं पर जो प्रहरी हैं, वो सीमा पर होने वाली जो घटनाएं हैं, आप अखबारों हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, सुनते रहते हैं जी, तो वो वहां पर युद्ध कर रहे हैं, वहां से हमारे शहीद, हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं। तो कहीं मुझे अपनी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ, देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है। आपने देशभक्ति की बात कही है जी, तो हाजिर करती हूँ, सैनिकों को समर्पित करती हूँ अपने कुछ मुक्तक। वतन की आन है सैनिक, वतन की जान है सैनिक, बहुत खूब, वतन के नाम पर हर वक्त ही कुर्बान है सैनिक, हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर, वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक, वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक। और सैनिकों को ही चार पंक्तियां मैं और समर्पित करना चाहूंगी, सुनिएगा। जी, करे जो सिंह सागर जन, तनी जिसकी रहे गर्दन, करे जो सिंह सागर जन, तनी जिसकी रहे गर्दन, वतन के वास्ते जिसने किया कुर्बान तन मन धन, वतन के वास्ते जिसने किया कुर्बान तन मन धन, लगा कर जान के बाजे हमें जो दे रहा जीवन, उसी माँ के सजग प्रहरी तेरा है लाख अभिनंदन, उसी माँ के सजग प्रहरी तेरा है लाख अभिनंदन। वाह। और उनके साथ ही कविता जी हम अभिनंदन करना चाहेंगे इस समय जो हमारे देश के जो पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान के लिए लड़ रहे हैं आज इस कोरोना नाम के दानव के साथ, तो ये सभी प्रणम्य हैं और इन सभी का मैं आज अभिनंदन करती हूँ। जी जी, हम इस मन से सभी का धन्यवाद भी करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैम कविता जी, आपको मैंने देखा है कि देश के कोने कोने से लोग आपको सुनते आए हैं, सराहते आए हैं, और आप विभिन्न टीवी चैनलों पे, आकाशवाणी पे, रेडियो चैनल्स पे सब जगह भाग लेते हैं। आप दुबई, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, सभी विभिन्न देशों में आप गई हैं। तो जब इतनी दूर देशों देश जगह जगह जाती हैं आप, तो आप अपनी मातृभूमि राजस्थान को किस प्रकार से सबके सामने प्रकाश कराती हैं या सब पहचान दिलाती हैं आप? जी, पहली बात तो मेरी मेरी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वहां मेरी उपस्थिति ही मेरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व सिद्ध करता है जी। और मुझे इस बात पर बड़ा फख्र होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब वहां मेरा नाम पुकारा जाता है कि राजस्थान से आई है डॉक्टर कविता किरण, और राजस्थान में भी जिस कस्बे से मैं हूँ, फालना कस्बे, छोटा कस्बा है, तो अक्सर लोग ये मुझे जब मैं बताती हूँ कि मैंने फ्लाइट जयपुर से पकड़ी है, तो लोगों को ये लगता है कि मैं जयपुर की हूँ, कुछ लोग मुझे उदयपुर का समझते, कुछ जोधपुर का, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि जी नहीं, मैं फालना जैसे छोटे कस्बे से हूँ और मेरी पहचान वहीं से है, तो आप मेरे कस्बे के नाम से ही मुझे बुलाए, उसी नाम से मुझे जाने, तो मैं खास तौर से उन्हें कहती हूँ कि वो फालना राजस्थान के फालना कस्बे से डॉक्टर सविता किरण हमारे बीच आई, तो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हूँ और अपने अपने कस्बे ही नहीं, अपने राज्य का, अपने देश का मैं वहाँ उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो कहीं माँ सरस्वती ने, माँ शारदा ने कुछ ऐसा हमारी कलम से ऐसा कुछ लिखवाया है हमसे कि आज हम इन सबका नाम रोशन कर पा रहे हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि से महसूस होता है। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे आप पर। आप कुछ राजस्थान के ऊपर कुछ सुना रही हैं? हाँ, राजस्थान या राजस्थानी भाषा, राजस्थान के गौरव के बारे में तो जितना भी कहा जाएगा कम है, और सबसे बड़ी बात मुझे, मैं जब भी विदेशों में भी जब जाती हूँ तो वहां मैं राजस्थानी रचनाएं अपनी जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि तो राजस्थान की एक पहचान है इससे, आज भी हो जाए, आज भी हो जाए, एक एक राजस्थानी रचना आज भी हो जाए, राजस्थानी रचना के लिए आपने आदेश दिया है, तो चलिए मैं एक राजस्थानी गजल के दो तीन शेर हाजिर करती हूँ।
मुस्तबा की ठाणी है, पण आख्या में पानी है। मुस्तबा की ठाणी है, पण आख्या में पानी है। और शेर देखिए, कि कैया का ढूं आंसू बारे, कैया का ढूं आंसू बारे, पिवरी खास निशानी है, क्या बात है, पण आख्या में पानी है। तो शेरो राजे करके देखिएगा, कि राम भरोसे पर जा सारी, राम भरोसे पर जा सारी, नीराजा नीराणी है, कण आख्या में पानी है। और भगत बीत गयो जो बाता में, भगत बीत गयो जो बाता में, यूं इज जून गमानी है, पण आख्या में पानी है। तो ये जो मेरी पहली किताब राजस्थानी गजल की छपी थी उसकी पहली गजल ये है। और आपको मैं बता दूं कि मेरी इस पहली राजस्थानी गजल की इस किताब को गोदावरी देवी सरावगी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्या बात है, तो क्या बात है। 5 किताबें मेरी राजस्थानी में आ चुकी हैं, राजस्थानी गजलों की, कविताओं की, गोहों की, विभिन्न विधाओं में अपनी मातृभाषा अच्छा लगता है के प्रति। जी, राजस्थानी भाषा में जो मिठास है उस जी, वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर सुनती हूँ और समझ पाती हूँ, यही बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है। और अभी जब मैं आपका फेसबुक टाइमलाइन स्क्रॉल डाउन कर रही थी, मैंने एक बहुत खूबसूरत सी चीज देखी कि आप पिछले दिनों अखबारों में बहुत छाई रही था, लॉकडाउन का ही पीरियड, पर आप कॉफी विद किरण के साथ कार्यक्रम कर रही थी। और राजस्थान दिवस जो 30 मार्च को होता है, उस दिन से जो आपने कार्यक्रम शुरू किया कॉफी विद किरण, तो लगातार 30 दिनों तक आपने समाज में एक सद्भावना की चलाई है, मुहिम चलाई, और आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लॉकडाउन में जब इतने सक्रिय रही हैं अपने कार्यक्रम को लेके, तो आपने कोरोना पे भी बहुत कुछ सीखा होगा। है इस समय तो विषय ही सभी कवियों के पास, क्या पूरे देश के पास एक ही विषय है चर्चा करने के लिए, और वो है कोरोना। कोरोना, जी जी जी। अभी मैंने, क्योंकि सारे हम लोग लॉकडाउन में थे, अपने अपने घरों में कैद थे, कोई बाहरी गतिविधियां कुछ हो नहीं रही थी, लेकिन इससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो जाती, उसको जंग नहीं लगना चाहिए। तो लेखन तो निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन लोगों से कम्युनिकेशन भी बन। ये सबको आदेश दिया गया था, तो कहीं मुझे भी लगा कि मेरा जो इतना सृजन है, 12 किताबें जो मेरी आ चुकी है, हम कवि सम्मेलन के मंचों पर तो उतना कुछ नहीं सुना पाते जितना हम सुनाना चाहते हैं, सीमित समय हमारे पास होता है, और उसमें हमको 2-4 हमारी केवल हिट रचनाएं, जो प्रतिनिधि रचनाएं होती है, वही सुनानी होती है। लेकिन ये एक अच्छा अवसर है कि जब मैं लोगों को अपने उस लेखन से भी परिचित कराऊं जो लोगों के सामने आज तक आ नहीं पाया। तो इसी इसी के चलते मेरे जहन में एक बात आई, तो मैंने, आजकल आप देख रहे हैं सारे कवि लाइव आ रहे हैं लोगों से जुड़ने के लिए, तो मैंने इसके लिए राजस्थान दिवस क्योंकि आ रहा था, तो मुझे लगा ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है कि मैं इस दिन से अपने लाइव की शुरुआत करूं, और रोज प्रतिदिन 1 घंटा मैं अपने फेसबुक पे, जो मेरे इतने सारे ढेर सारे फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके साथ मैं बातचीत करूं और अपनी कविताओं से उन्हें परिचित कराऊं, उनकी फरमाइशें पूरी करूं, क्योंकि काफी सारे लोग हमारी रचनाओं की फरमाइश करते हैं। बहुत सारी रचनाएं हमारी ऐसी हैं जो YouTube के जरिए जन जन तक पहुंची हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। और बहुत सारे कैसेट्स भी निकले हैं आपके। हाँ जी, हाँ मेरे कैसेट्स, हाँ हाँ 2000 से पहले मैं, क्योंकि गाने का भी थोड़ा शौक रखती हूँ, तो जी, राजस्थानी में मेरे 12 कैसेट्स भी रिलीज हुए, ऑडियो कैसेट्स।
जिसमें लोक संगीत है और जैन भजन सब मिला करके मिले जुले हैं, तो गाया भी है मैंने, गाने का भी शौक रखती थी। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने हम क्या क्या सुने आपसे, क्या क्या सुने आप तो कोरोना पे कुछ नहीं जी जरूर सुनाती हूँ। तो मैंने ये शुरू किया था कॉफी विद किरण, जिसमें एक घंटा प्रतिदिन में लोगों को रचनाएं सुनाया करती थी। तो कोरोना से संदर्भित रचनाएं भी मैंने लिखी है और काफी टीवी चैनल्स पर भी प्रसारित भी हुई है। वो मैं हाजिर करती हूँ। जी स्वागत है। कोरोना से बचने के लिए हमें करना है क्या चाहिए, वैसे उपदेशात्मक बातें तो सभी करते हैं। मैंने एक ऐसा गीत भी रचा जो बड़े ही हल्के मूड का था, और जिस तरह की युवा पीढ़ी जिस तरह के गाने पसंद करती है उस अंदाज से मैंने उसको गाया भी, यूट्यूब पर भी डाला और पत्रिका टीवी और अन्य चैनल्स पर भी आया। तो आप कहें तो मैं उसी अंदाज में सुनाती हूँ, लेकिन चार पंक्तियां मुक्तक पहले प्रिकॉशन के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, संदेशात्मक जैसे कहते हैं, मैं सुनाती हूँ कि क्या हमें करना चाहिए। कि बेशक गम के बादल छाए फिर भी हम मुस्कुराएंगे, बेशक गम के बादल छाए फिर भी हम मुस्कुराएंगे, दुख की घड़ियां आई है तो सुख के दिन भी आएंगे। चलो किरण हम कोरोना के दम को दूर भगाएंगे, चलो किरण हम कोरोना के दम को दूर भगाएंगे, विश्वासों की दहरी पर आशा के दीप जलाएंगे, विश्वासों की दहरी पर आशा के दीप जलाएंगे। तो सब हमें आशा का दीप हमेशा जलाए रखना है, एक ना एक दिन हम इस कोरोना की जंग से जरूर जीतेंगे, जरूर विजय होंगे। और अब मैं वो गीत पढ़ती हूँ जो बड़े हल्के फुल्के मूड में मैंने लिखा था उसे, और उसके बाद तो मैंने काफी लोगों को सुना यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, और अलग अलग अंदाज में लोग लिखते हैं, मतलब गाते और पढ़ते हुए दिखाई दिए, तो हाजिर करती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। जैसे मैंने कहा गाने का भी थोड़ा बहुत शौक है, तो कुछ अपने अंदाज जाना चाहिए जी। कोरोना कोरोना दिल हमारा तोड़ो ना, क्या बात है। कोरोना कोरोना दिल हमारा तोड़ो ना, क्यों डराते हो हमको जान हमारी छोड़ो ना, कि दिन हो चाहे रात हो बस तुम्हारी बात हो, दिन हो चाहे रात हो बस तुम्हारी बात हो, तुम हो कोई भूत प्रेत या कोई जिन्नात हो, भूल गए सारे सोना कोरोना कोरोना, भूल गए सारे सोना कोरोना कोरोना। और पंक्तियां देखें कि टीवी और अखबार में मास्क बिके बाजार में, सारे चैनल बिजी हैं अपने कारोबार में, क्या बात है। होश नहीं हमको खोना कोरोना कोरोना, होश नहीं हमको खोना कोरोना कोरोना। और ये कहाँ से आई है बीमारी आपको पता है, तब बंद किया देखा बिल्कुल। कि माना के कमाल है ये जो चीनी माल है, माना के कमाल है ये जो चीनी माल है, फेंका इसने जाल है ये ही सबका काल है, इससे रिश्ता जोड़ो ना कोरोना कोरोना, इससे रिश्ता जोड़ो ना कोरोना कोरोना। और हमको करना क्या है वो देखेगा, हमारी दिनचर्या क्या हो। त्यागो मांसाहार को मानो शाकाहार को, त्यागो मांसाहार को, त्यागो मांसाहार को मानो शाकाहार को, संतुलित आहार लो बांटो थोड़ा प्यार को, साफ करो मन का कोना कोरोना कोरोना, साफ करो मन का कोना कोरोना कोरोना। और डरने की क्या बात है इसका भी इलाज है, डरने की क्या बात है ना, डरने का क्या काम है इसका भी अंजाम है,
थोड़ी सी प्रिकॉशन ले, इसका काम तमाम है। बंद करो रोना धोना, कोरोना कोरोना, अब करो तो मुक्ति दे दो ना, कोरोना कोरोना, धूम दबा के भागो ना, कोरोना ना। कोरोना। वाह वाह, क्या अंदाज है कोरोना कोरोना। कोरोना तो बस बात थोड़ा सा आपके क्योंकि अंदाज आज की की है। पीढ़ी है ना, इस तरह उनसे जल्दी उनको समझ में आता है, तो हाँ, एक सहज ही हो गया हल्के फुलके मुड का गीत तो। लेकिन बिल्कुल, टीवी बहुत बहुत चैनल्स पर भी खूबसूरत इसको अंदाज, दिखाया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका भी। और मैं ये नोटिस कर रही हूँ, जितनी खूबसूरत आप हैं, जितने ही सुंदर और अच्छे अल्फाज हैं, उतनी ही प्यारी आपकी आवाज भी है। और मैं सोच रही हूँ कि इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, और आप जब एक माँ पर कुछ सुनाएंगी, तो वो कितना खूबसूरत होगा। और मुझे अभी जी याद आ रहा है कि अभी मातृ दिवस तो अभी गया ही है, तो जी फिर जरूर जरूर कुछ सुनाएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी मातृ दिवस गया है और अभी लगभग साल भर पहले ही मैंने अपनी माँ को भी खोया है। तो ओ मैंने जब सुपर, अभी अपना 31वां कॉफी विद किरण लॉकडाउन लाइव किया था, तो लोगों से जी बात करते करते अपने फैन से थोड़ी सी भावुक में हो गई थी। जी तो जाहिर सी बात है, वैसे तो माँ हमेशा याद आती है, लेकिन जब अवसर विशेष होता है या दिन हाँ, विशेष तब होता है तो खास तौर से जी। हमें पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि हर साल हम मम्मी को विश किया करते थे मदर्स डे पे सबसे पहले, और आज मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा लगता है। तो लगता है। मैं पहले तो दो तीन दोहे पढ़ती हूँ और उसके बाद एक हाँ अलग की रचना पढ़ूंगी, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। माँ के बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम है सब, कम है, कम है। कि मन को दे पाए सुकून, मन को दे पाए सुकून, ना सुमिरन ना जाप, मन को दे पाए सुकून, ना सुमिरन ना जाप, माने बाहों में भरा मिटे सभी संताप, माने बाहों में भरा मिटे सभी संताप, और पल भर में गायब हुई, पल भर में गायब हुई, हर पीड़ा हर चोट माने माथे पर धरे ज्यों ही अपने होंठ, माने माथे पर धरे ज्यों ही अपने होंठ, और माँ मंदिर की आरती की, माँ मंदिर की आरती, माँ गीता का ज्ञान, वाह, माँ का होना चाहिए हर घर में बहुत सम्मान, खूब, बहुत खूब। माँ का होना चाहिए चाहिए हर घर में हर घर सम्मान। में सम्मान। तो साहब, माँ मंदिर की आरती, माँ गीता का ज्ञान, माँ का होना चाहिए हर घर में हर घर सम्मान। में सम्मान, बहुत खूब। जी, और एक नए दृष्टिकोण की एक रचना मैं पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल, स्वागत आदेश है। दिया है। माँ को वत्सला का रूप माना गया है, त्याग की मूर्ति, बलिदान की मूर्ति, उससे हमेशा कुर्बानियां ही चाही गई है। हाँ लेकिन हाँ आज के दौर में कुछ छवि बदल गई है, आज परिदृश्य की बदल रहा है। परिस्थितियां अब बदल गई है। जी पहले जो जी माएं होती थी वो शुद्ध हाउसवाइफ हुआ करती थी, शुद्ध गृहिणियां हुआ करती थी, उनका बिल्कुल। जो दायरा था वो घर के भीतर ही सीमित था। लेकिन आज की जो स्त्री है, जो शिक्षित नारी है, वो घर से बाहर भी अपने आप को सिद्ध करती है, घर में भी अपना रोल पूरी तरह से निभाती है, तो कहीं ना जी कहीं उससे चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। लेकिन जब बच्चे आकलन करते हैं तो एक रचना सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। और बिल्कुल इस बिल्कुल। रचना का शीर्षक ही है कि माँ भगवान नहीं है। अरे वाह, आमतौर माँ भगवान पे कहा नहीं जाता है। है माँ भगवान का रूप है, लेकिन मैं जो हाँ कविता कह रही हूँ सुनिएगा, कि माँ भगवान नहीं है, ये इसका शीर्षक। कविता पढ़ती हूँ।
स्वागत। कि मत दो अपनी माँ को भगवान का दर्जा, मत दो अपनी माँ को भगवान का दर्जा, ऐसा करते तुम छीन लेते हो उससे उसके इंसान होने का अधिकार भी। कि मत दो माँ को भगवान का दर्जा, ऐसा करके तुम छीन लेते हो उससे उसके इंसान होने का अधिकार भी। मत परखो उसे एक आदर्श माँ की कसौटी पर बार बार, ऐसा करके तुम विवश कर देते हो उसे अपने भीतर की आम स्त्री का गला घोटने। कि मत परखो उसे एक आदर्श माँ की कसौटी पर बार बार, ऐसा करके तुम विवश कर देते हो उसे अपने भीतर की आम स्त्री का गला घोटने पर। मत डराओ उसे बार बार ये कहकर कि वो भगवान का रूप है, मत डराओ उसे बार बार ये कहकर कि वो भगवान का रूप है और उसे जीना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए। अपने सुख के बारे में सोचने भर से वो हो जाएगी मातृत्व के सम्मान से वंचित, तिरस्कृत, उपेक्षित। शास्त्र चाहे जो कहें, शास्त्र चाहे जो कहें, पर सच तो यही है कि माँ भगवान नहीं होती। कि शास्त्र चाहे जो कहें, पर सच तो यही है कि माँ भगवान नहीं होती। वो होती है एक साधारण मानवी ही, उसे भी अधिकार है अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचने का, गलतियां करने का, भूल जाने का और कभी कभी स्वार्थी हो जाने का भी। बहुत खूब, बहुत कि वो होती है एक साधारण मानवी ही, उसे भी अधिकार है अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचने का, गलतियां करने का, भूल जाने का और कभी कभी स्वार्थी हो जाने का भी। उसे भी हक है बच्चों से पहले खा लेने का। बहुत उसे भी हक है बच्चों से पहले खा लेने का, बच्चों से पहले सो जाने का, बच्चों को उनकी गलतियों पर उन्हें डांटने का, उनकी बेवक्त की गई फरमाइशों पर उन्हें रोकने का, टोकने का, इनकार करने का। क्योंकि क्योंकि माँ भगवान हरगिज नहीं होती। माँ भगवान, क्योंकि माँ भगवान हरगिज नहीं होती। उसे स्वीकारो तो उसकी कमजोरियों के साथ, उसे स्वीकारो तो उसके कमजोरियों के साथ, उसके मानवीय गुणों के साथ। मत दो अपनी माँ को भगवान का दर्जा, जीने दो उसे भी एक आम इंसान की तरह, अपनी खुशियों के साथ, अपनी खामियों के साथ। सही बात। कि मत दो अपनी माँ को भगवान का दर्जा, जीने दो उसे भी एक आम इंसान की तरह, अपनी खूबियों के साथ, अपनी खामियों के साथ, न कि भगवान के पद से पदस्थ हो जाने के भय के साथ। मत दो अपनी माँ को भगवान का दर्जा, क्योंकि माँ होती है एक साधारण मानवी ही, क्योंकि माँ होती है एक साधारण मानवी ही। उसे स्वीकारो उसकी कमियों के साथ, उसके मानवी। कविता किरण जी, आपने आपने ये जो कविता पढ़ी है ना, ये आज के कवि गणों का, आज के साहित्यकारों का, कलमकारों का ये कर्तव्य बनता है कि जो पद दिया गया था, देवी का पद दे दिया गया था माँ को, वहां से उसको मानवीकरण किया जाए। आपने ये एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है और आज की आवश्यकता भी है। ये हम हर जगह देख रहे हैं कि उनको जो देवी गुण दे दिए गए हैं तो वो अपना जीवन भूल गई है। बहुत बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी आपने और मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा शख्सियत मेरे बीच में बैठा है, हमारे साथ, श्रोताओं के साथ और हम सब दर्शकों के सामने बैठा है, जो कि पूरी दुनिया में प्रख्यात है, जो इतनी सारी भाषाओं में और इतनी सारी विधाओं में, आप कहानियां भी लिखती हैं, आप नज़्मे भी लिखती हैं, आप गजल भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, दोहे भी, मुक्तक भी, इतनी सारी विधाओं में आप हस्ताक्षर हैं। आप समुद्र को हमने आधे घंटे के जरा से समय में जो जाना है वो बूंद भर है। काश कि हमारे पास ज्यादा समय होता। और सुई घड़ी की सुइयां बता रही है कि कविता बहुत हुआ, तो ये कविता उस कविता को धन्यवाद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे सिंग सिटी लाइफ के इस मंच पर आए और हमें बार बार ये मौका मिलता रहे। मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ
और आप कुछ कहना चाहेंगे आप अंतिम? मैं भी शब्द संसार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और मुखर कविता जी आपका भी, और जो भी आपकी जो टीम है, मैं सबके नाम नहीं जानती, लेकिन शब्द संसार की जो टीम है, जो भी, इन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल के जरिए अपने श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए आमंत्रित किया, और उम्मीद करती हूँ कि कहीं मेरी रचनाएं आपके श्रोताओं को और आपको पसंद आई होंगी। हालांकि गागर में सागर समाने वाली बात थी, बाकी कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ अनकहा तो बहुत ज्यादा रह जाता है, तो फिर कभी सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप श्रोताओं से भी चार पंक्तियां मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी प्रेरणा के तौर पे, कि अभी जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो अवसाद का जो माहौल चल रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है। और चार पंक्तियां कहीं मेरी आपको हौसला देगी, हिम्मत देगी, कि ये दौर इम्तिहान का निकल ही जाएगा, ये दौर इम्तिहान का निकल ही जाएगा, अंधेरा अपनी खैर कब तक मनाएगा, यकीन कर ए किरण स्याह रात ढलते ही नई सुबह का सूर्य फिर से जगमगाएगा, नई सुबह का सूर्य फिर से जगमगाएगा। इसी के साथ हम अभी सभी आप दर्शकों से, श्रोताओं से इजाजत लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ एक नए कार्यक्रम में, तब तक आप सभी को हमारा नमस्कार, बाय बाय।